आदेश है, बदलते 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। सफलता मिलने के योग है। नौकरी और बिजनेस में हालात आपके अनुकूल रहेंगे। बिजनेस में समझौते फायदेमंद हो सकते हैं। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। कोई जिम्मेदारी इन दिनों में आपको मिल सकती है। आप अपने लॉजिक या प्रेजेंटेशन से बॉस को प्रभावित कर सकते हैं। कामकाज के मामले में काफी बातचीत हो सकती है। इन दिनों में आपके सामने अपने फैसलों पर डटे रह पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी गतिविधियों में सफल हो सकते हैं जिनसे युवा या छोटे लोग जुड़े हैं। इन दिनों में आपकी जीवन शैली में बदलाव हो सकता है। परिजनों से भी मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के बीच में चौथा चंद्रमा चलते कामों में अचानक कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिनों में अच्छा समय शुरू हो सकता है। लग्नेश राशि के लोग पार्टनर के साथ समय बिता सकते हैं। कहीं घूमने जाने का भी प्लान बन सकता है। क्रिया इस सप्ताह दोस्तों की मदद से सफलता मिल सकती है। इंजीनियर्स और फार्मा फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। धन लाभ और आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। हेल्थ सेहत को लेकर लापरवाही ना करें तो ही अच्छा रहेगा, वरना कोई बड़ा रोग भी हो सकता है। वृष इन दिनों में नए सामाजिक रिश्ते बन सकते हैं। अविवाहित लोगों को मैरिज ऑफर मिलने के योग हैं। जॉब और बिजनेस में सावधानी रखनी होगी। इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के धन भाव से 5वें भाव तक जाएगा। वहीं राशि का स्वामी शुक्र मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बना रहा है। इस वजह से नौकरी में अधिकारियों से अनबन हो सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं। सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आप परेशान हो सकते हैं। इन दिनों में कोई काम शुरू ना करें, आपसे कोई गलत फैसला भी हो सकता है। सावधान रहना चाहिए। साथ काम करने वालों और निचले वर्ग के लोगों की चिंता करनी होगी। गुप्त बातों और रहस्यमयी विद्याओं में रुचि बढ़ सकती है। सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आप परेशान भी रहेंगे। इन 7 दिनों में कोई अच्छा लव प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। इंतजार करें, लव लाइफ में अच्छा समय आ सकता है। क्रिया इस सप्ताह वृष राशि के स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र और बिजनेस के मामलों में सावधानी रखें। हेल्थ अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। चोट लगने की भी संभावना है। मिथुन ये 7 दिन आपकी राशि के लिए ठीक नहीं है। इन दिनों में धन हानि हो सकती है। मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। चोट या दुर्घटना हो सकती है। इन दिनों में सेविंग खत्म होगी। बिना सोचे समझे बोलने से विवाद हो सकता है। लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी कोई राज की बात भी उजागर हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में नुकसान हो सकता है। इस संबंध में कोई बड़ा फैसला ना करें। निवेश करने से भी बचें। अनजाना डर और टेंशन बना रह सकता है। कोई लंबा काम मिल सकता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। इन दिनों में आपको धैर्य और संयम से काम करना होगा। सही वक्त का इंतजार करेंगे तो सफल हो सकते हैं। कहीं पैसा निवेश किया है तो धन हानि की संभावना बन रही है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। इन दिनों में दिखावा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आपकी ही मुश्किलें बढ़ सकती है। लव प्रेम संबंधों को लेकर मन में कोई अनजाना डर बना रह सकता है। पार्टनर से दिल की हर बात शेयर करें। करियर स्टूडेंट्स को इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए इन दिनों का समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। निवेश करना है तो किसी अनुभवी से सलाह लेकर कर लें। हेल्थ पानी की कमी से सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। सावधान रहें, हड्डियों में दर्द हो सकता है। कर्क इन दिनों में आप सिर्फ काम करें, फल की इच्छा ना करें। परेशानियां खत्म हो सकती है। इन दिनों में आप कुछ राज की बातें जानने की कोशिश कर सकते हैं। मेहनत से खास नतीजा मिल सकता है। नई नौकरी के ऑफर भी इन दिनों में आपको मिल सकते हैं।
लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इन दिनों में जो फैसले लेंगे उनका असर लंबे समय तक हो सकता है। रिश्तों की समस्याएं भी सुलझ सकती है। इन दिनों में आपके काम मेहनत से पूरे हो सकते हैं। उच्च पद वाले लोगों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वालों को कोर्टक चहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। यात्रा हो सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात के भी योग बन रहे हैं। इन दिनों में लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बीत सकता है। नए सुझाव और सहयोग मिलने के भी योग बन रहे हैं। करियर कॉमर्स विषयों के स्टूडेंट्स को इन दिनों में मेहनत से सफलता मिल सकती है। मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी तभी सफलता मिल पाएगी। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में मेहनत ज्यादा हो सकती है लेकिन परिणाम थोड़ा लेट मिलेगा। हेल्थ कर्क राशि वालों को इन दिनों में चोट लग सकती है। ज्यादा मिर्च मसाले से दूर रहे। सिंह इस सप्ताह फोर ग्रहों के कारण सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। धन हानि होने की संभावना है। जॉब और बिजनेस को लेकर टेंशन बनी रहेगी। अधिकारियों से मदद नहीं मिलेगी। साथ काम करने वालों से विवाद हो सकता है। राज की कोई बात भी उजागर हो सकती है। चोट लग सकती है। दुर्घटना भी हो सकती है। संभल कर रहे। करियर के मामले में ये 7 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। कोई भी बड़ा और जरूरी काम निपटाने में आपको पूरी तरह सावधान रहना होगा। करियर, पैसा, परिवार और लव लाइफ में अनचाहे बदलाव भी हो सकते हैं। इन दिनों में बड़े लोगों से अनबन या बहस होने की भी संभावना है। आप अपनी सेहत को लेकर ज्यादा अवेयर रहे। इनकम में उतार चढ़ाव होने से टेंशन और परेशानी हो सकती है। काम काज यारने के स्थान में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। इन दिनों में गुप्त रूप से दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं। सावधानी रखें। इस सप्ताह बिजनेस से संबंधित कोई जोखिम भरा फैसला लेने से बचें। लव पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। फिर भी आपको किसी चीज की कमी महसूस हो सकती है। करियर कंप्यूटर और अन्य इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को इन दिनों में मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ थकान से परेशान हो सकते हैं। इन दिनों में कमजोरी भी हो सकती है। कन्या फालतू यात्राओं का योग बन रहा है। सेविंग खत्म हो सकती है। खर्चा बढ़ेगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोग परेशान हो सकते हैं। पैसा उलझ सकता है। बड़ा निवेश ना करें। किसी को उधार ना दें। अधिकारियों से बहस या अनबन हो सकती है। सेहत संबंधी परेशानी रहेगी। सैलरी अटक सकती है। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। संबंधों में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इन दिनों में आप कॉन्फिडेंस और उत्साह की कमी रहेगी। आपके बहुत से काम अधूरे भी रह सकते हैं। योजनाओं को पूरा करने और फैसले लेने के लिहाज से ये दिन ठीक नहीं है। इस सप्ताह जल्दबाजी से बचें और किसी भी तरह का जोखिम न लें। इन दिनों में घरेलू सामानों पर खर्चा बढ़ने के योग है। सेहत का ध्यान रखें। फालतू विवादों से बचकर रहें। कोई नया काम शुरू ना करें तो ही ठीक है। लव लव पार्टनर से अनबन हो सकती है। लवर या जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। लव लाइफ से जुड़े बड़े फैसले ना लें तो ही अच्छा है। करियर इस सप्ताह कुछ स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ सकती है। जॉब और बिजनेस में संभल कर रहे। सप्ताह के बीच के दिनों में दुश्मनों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। हेल्थ कन्या राशि के लोग इन दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें। पुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं। तुला फोर ग्रह आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। सेहत को लेकर सावधान रहे। फालतू खर्चा हो सकता है। इन दिनों में आप कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं। सजने संवरने और दिखावे पर पैसा खर्च हो सकता है। माता से अनबन या बहस हो सकती है। लव लाइफ के लिए समय ठीक नहीं है। माता की सेहत को लेकर सावधानी रखें। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। बहुत से मामलों में किस्मत साथ नहीं देगी।
आपकी कोई राज की बात उजागर हो सकती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। तनाव वाला समय है, इन दिनों में आराम और खुद के सुख पर ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। नौकरी और कारोबार के कामों को सावधानी से निपटाएं, कार्य क्षेत्र में मेहनत ज्यादा हो सकती है। ऑफिस में खींचतान जैसी स्थिति बन सकती है, कामकाज में भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। आप गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना काम बिगड़ सकता है। वह इन 7 दिनों में लव पार्टनर से अनबन हो सकती है, प्रेम संबंधों को लेकर आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आपका खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। प्रिय, इस सप्ताह स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स अपनी सेहत का ध्यान रखें, गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। हेल्थ तुला राशि के लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद का ध्यान रखें। वृश्चिक, सप्ताह के शुरुआती दिन थोड़ी परेशानियों वाले हो सकते हैं। इन दिनों में चंद्रमा की स्थिति से आपको किस्मत का साथ भी मिल सकता है। समय अच्छा कहा जा सकता है, इम्प्रेशन जमाने का टाइम रहेगा। आने वाले दिनों में नई जिम्मेदारी और कोई बड़ा पद मिल सकता है, नई नौकरी या पैसों के रास्ते खुल सकते हैं। आपके कामकाज से लोग प्रभावित हो सकते हैं, नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलने के योग है। नौकरी करते हैं तो अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है, नौकरी या कारोबार में नए ऑफर मिल सकते हैं। करियर में आपके पास एक से ज्यादा ऑफर हो सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो मुनाफे के साथ आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। सामाजिक संपर्कों से जरूरी सूचनाएं मिल सकती है, फैसले सही साबित हो सकते हैं, किस्मत का मिलने के योग है। काम करने के स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, दोस्तों और परिवार वालों की मदद मिल सकती है। लव पार्टनर के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं। लव लाइफ के मामले में 7 दिन अच्छे हैं। करियर, फैशन और डिजाइनिंग में करियर बनाने वालों को सफलता मिल सकती है। टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक कहा जा सकता है, कार्य क्षेत्र और बिजनेस के लिए अच्छा समय है। हेल्थ, सेहत अच्छी रहेगी, रोग खत्म हो सकते हैं, थकान और आलस्य खत्म होने की संभावना है। धनु, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला हो सकता है। पार्टनर और रोजमर्रा के संबंध में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, धन लाभ और बचत भी बढ़ सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य में रहेगा, इससे आपको फायदा और सफलता मिल सकती है। अधिकारियों या बुजुर्गों से बातचीत आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। पुराना बकाया काम निपटाने की कोशिश करें। आमदनी में उतार चढ़ाव होने से सप्ताह के कुछ दिन मूड भी खराब हो सकता है, सप्ताह के बीच में सावधान रहे, अचानक हानि हो सकती है। व्यापार और नौकरी वाले लोगों के कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में आप सफल भी होंगे। नौकरी में सहयोगियों से मनमुटाव के योग बन रहे हैं, दुश्मनों से सावधान रहे, इन दिनों में आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। लव पार्टनर से अनबन होने के योग बन रहे हैं, वाणी पर संयम रखें। करियर, कुछ स्टूडेंट्स को इन दिनों में कम मेहनत से ही सफलता मिल सकती है, स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य हो सकता है, ग्रहों के प्रभाव से मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिनों में चंद्रमा आपको फायदा देगा। हेल्थ, पैर में चोट और दर्द हो सकता है। मकर, इन दिनों में पैसा आते ही खर्चा हो सकता है, खर्चे पर नियंत्रण रखें। आज आप फालतू विवादों में भी फंस सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति से आप दुश्मनों पर भारी पड़ सकते हैं। आपको करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, आसपास और साथ के लोगों के लिए आप बहुत उदार मन रहेंगे। बिजनेस में कोई लंबा चौड़ा काम इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं, काम निपटाने में लगे रहेंगे। इन दिनों में खुद की काबिलियत के दम पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश करें, आप अपनी योग्यता से ही सफलता हासिल कर सकते हैं। करीबी लोग आपकी मदद कर सकते हैं,
सप्ताह के आखिरी दिनों में आठवां चंद्रमा परेशान कर सकता है, लेकिन सावधानी रखें, खुद को संभालने की कोशिश करें। लव इन दिनों में आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर से हर तरह का सहयोग मिल सकता है। क्लियर स्टूडेंट इस सप्ताह आलस्य और थकान महसूस कर सकते हैं। ग्लैमर जगत में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस में काम काज ज्यादा होने से आप उलझे रह सकते हैं। हेल्थ मकर राशि के लोग पुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं, खुद को लेकर लापरवाही ना करें वरना बीमारी बढ़ सकती है, सावधान रहे। कुंभ इन दिनों में काम काज ज्यादा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के काम पर अधिकारियों की नजर रहेगी। आपके काम काज में कुछ लोग गलतियां निकाल सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। किसी तरह का कंफ्यूजन और शक होने से आपके कुछ काम अधूरे हो सकते हैं। काम काज या बिजनेस संबंधित किसी योजना का नतीजा भी इन दिनों में आपके सामने आ सकता है। इसी के साथ आपको आगे बढ़ने के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी क्षमता में सुधार करने की भी जरूरत है, इसका ध्यान रखें। जिम्मेदारी और ज्यादा मेहनत करने से आपकी इमेज अच्छी हो सकती है। अनुभवी लोगों की मदद आपको मिल सकती है। इनकम के नए सोर्स के लिए योजना बना सकते हैं। अधिकारी आप पर भरोसा रखेंगे। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव लव प्रपोजल इन दिनों में स्वीकार हो सकते हैं। नए प्रेम संबंध शुरू होने की भी संभावना बन रही है। क्लियर इन 7 दिनों में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा मेहनत के बाद ही सफल हो सकते हैं। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में स्थिति अच्छी हो सकती है। हेल्थ कुंभ राशि के लोगों को परहेज रखना चाहिए। इन दिनों में आपको पेट और गुप्त रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। मीन चंद्रमा इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में गोचर कुंडली के चौथे भाव में रहेगा। इन दिनों में काम काज सफलता और उपलब्धियों पर आपका ध्यान रहेगा। आप शैक्षणिक कानूनी या राजनैतिक मामलों में भी उलझ सकते हैं। प्रगति में रुकावटें आ सकती हैं। धैर्य रखें। ऑफिस में अपना बकाया काम निपटाना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस सप्ताह छिटपुट उपायों से आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में नया काम या महत्वपूर्ण बदलाव करने की कोशिश ना करें। बिजनेस और नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। किसी बड़े समूह के साथ जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। इन दिनों में दिल और दिमाग भी आपके साथ रहेगा। इस सप्ताह आप दिमाग के उपयोग और मीठा बोलकर काम पूरे करवा सकते हैं। धन और मान सम्मान मिलने के योग है। लव लव पार्टनर आपको ज्यादा से ज्यादा समय देगा। इन दिनों को लव पार्टनर के साथ अच्छे से बिताने की कोशिश करेंगे। क्लियर फार्मा फील्ड के स्टूडेंट्स को मेहनत करने पर भी कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं। फैशन और ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा हो सकता है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में सोचे हुए परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ पुराने रोगों से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं। दवाइयां टाइम से ले लें।